लो जी दोस्तों, आपका भाई आया है मुंबई में विजय पार्ले वेस्ट में और मैं खड़ा हूँ रोड नंबर 1 मिठी बाई कॉलेज के सामने। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूड स्टॉल लगते हैं। ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, यहाँ का लोग बहुत इंजॉय करते हैं इधर आके। इस काउंटर पे इनका मसाला डोसा बन रहा है, मसाला डोसा मतलब जो इनका स्पेशल डोसा है। उधर चीज़ सैंडविच बन रहा है और उधर बन रहा है इनका वड़ा पाव, और इसके साथ यहाँ पे सब लोग फूड का एंजॉय कर रहे हैं। मटन मत डालो इसमें। ये बनने जा रहा है अपना गिनी स्पेशल डोसा। ये डो लगा के अच्छे से इन्होंने सेक दिया है, और ये है मुंबई का, ये डाल दिया है कैप्सिकम वेज, और ये आ गया टमेटो। है ये टमेटो, ये ऑनियन है, अनियन है, ये हरा धनिया है। कौन सी सॉस है ये? चिल्ली टमेटो। टमेटो ये सेजवान, शेजवान सॉस, गार्लिक चटनी, गार्लिक चटनी, ये रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये गन पाउडर, करी पाउडर, तो ये बटर। हाँ बटर, क्या बात है जी, फुल भर के बटर आ गया है। थोड़ा और हरा धनिया, इतना भरा जा रहा है ना इसमें, क्या बात है। कौन सी चीज होती है ये? गोवर्धन। हाँ गोवर्धन, और ये अपना डोसा रेडी हो गया है, फोल्ड किया जा रहा है इसे। आनंद स्टॉल का ये मेरा डोसा आ गया है, और इसके अंदर इन्होंने पहले दी है नारियल की चटनी जो थोड़ी सी ग्रीन है, नॉर्मली जगहों पे वाइट होती है, और दूसरी एक टमेटो की चटनी दी है इन्होंने। अभी खा के उसका टेस्ट पता लगेगा। डोसा आपको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, ये इन्होंने डोसे कट किए हैं, और इसमें इन्होंने स्प्रिंग अनियन डाली हुई है, कैप्सिकम डाली हुई है, अनियन डाली हुई है, चीज़ काफ़ी सारी ढेर भर के डाली हुई है जैसे आपको दिख रही होगी, शेजवान सॉस डाली हुई है, चिली सॉस डाली हुई है, केचप डाली हुई है, और इनके कुछ मसाले हैं रेड चिली। तो ये पूरा बन के तैयार हो गया है, अब एक बाइट लेते हैं और इसका टेस्ट जानते हैं कैसा है। नॉर्मली हम जो खाते हैं आलू मसाले का, उससे अलग कुछ आ रहा है या वैसा ही है? फर्स्ट बाइट लेता हूँ इसकी। इसका जो टेस्ट है एक फ्यूजन है ना, हम इसे चाइनीज़ बोल सकते हैं, शेजवान सॉस डली हुई है इसके अंदर, ना ही मसाला डोसे का जो मज़ा आता है मसाले का, पनीर वगैरह का, वो एक अलग ही टेस्ट बना दिया है इसको, जिसमें चीज़ अपना अलग मज़ा दे रही है, स्प्रिंग अनियन का अपना मज़ा आ रहा है, कैप्सिकम वेजिटेबल्स मुँह में वो बहुत अच्छे से आ रही हैं, जो रेड चिली डली हुई है खाने के बाद आप एक बोल सकते हैं जैसे नौरत्न का मज़ा आ रहा है, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, और बहुत ही शानदार डोसा है। तभी ये इतने मशहूर हैं। मैंने बनवाया इनका गिनी स्पेशल। इनके पास एक और स्पेशल होता है, उसका नाम है चिली पनीर, तो मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट करना था। यहाँ पे हम ये टेस्ट करते हैं। अभी इनके साथ में ही जो है बहुत मशहूर यहाँ का सैंडविच मिलता है लोडेड, तो एक सैंडविच टेस्ट करेंगे, हो सका तो पाव भी खाएंगे यहाँ का। लो जी दोस्तों, ये बनने जा रहा है यहाँ का वेज ग्रिल सैंडविच, चीज़ ग्रिल सैंडविच। हाँ, इस पर ढेर सारा बटर लग गया और ये ग्रीन चटनी लग गई है इसके ऊपर, ये बॉइल्ड पोटैटो है। हाँ, और ये यहाँ का सबसे ज़्यादा चलने वाला है, ये देखो पूरा
लोडेड करके रखा हुआ है। मैं दिखा सकता हूँ भैया इसे, देखो ये सारे सैंडविचेस रखे हुए हैं यहाँ पे। देखो आप ढेर सारी इसमें प्याज डाल दी है और ये इसे कवर कर रहे हैं जो इसमें ब्रेड के अंदर अमूल बटर लगाया था। अमूल बटर होता है ये? अमूल बटर और ग्रीन चटनी। वही ढेर सारे टमाटर डल रहे हैं। और ये कैप्सिकम डल गई है इसमें। देखो जी ये आ गई है इस पे चीज। वाह जी वाह, चीज की हो रही है बारिश इसके ऊपर। वाह जी वाह, क्या सीन है जी, चीज ही चीज हर जगह। वाह जी वाह, इसको आप ग्रिल चीज सैंडविच नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो हार्ट अटैक सैंडविच। इतनी सारी चीज, ओहो। अब इस पे एक ब्रेड की और चटनी की लेयर और लगा के बस अब ये ग्रिल करने रख देंगे। चीज ग्रिल सैंडविच आ गया है भाई। ये तो 1 किलो का लग रहा है यार मुझे, 1 kg का एक सैंडविच लग रहा है। अब ये किस पेट में खाया जाएगा नहीं पता, तो चलिए टेस्ट करते हैं सैंडविच को। सबसे मेन जो इसके अंदर मज़ा आ रहा है वो आ रहा है चीज़ का, और दूसरा जो इसके अंदर मज़ा आ रहा है वो आ रहा है पटेटो का, आलू का, जो बीच में इन्होंने डबल लेयर मसाला लगा रखा है उसका अपना अलग मज़ा आ रहा है। सैंडविच काफ़ी अच्छा है, खट्टा तीखा मसालेदार और चीज़ी अपना अलग मज़ा दे के जा रहा है। चीज़ भी इन्होंने ऊपर काफ़ी भर के डाला था जो अभी सब मेल्ट हो गया है, और ओवरऑल बहुत अच्छा सैंडविच है तभी इतना यहाँ पे पसंद किया जाता है। ये हमने फिनिश कर लिया, अब हम चलते हैं वड़ा पाव की तरफ। गर्मा गर्म बन के निकले हैं अभी, तो चलिए वो लेते हैं। तो देखो जी यहाँ बन रहा है फ्रेश वड़ा पाव। पाव तो बना रखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ वड़ा बन रहा है, मुंबई का स्पेशल फ्रायर के अंदर डाला जा रहा है। वाह जी वड़े आ गए। वड़ा बोलते हैं ना इसे, आलू का वड़ा। थोड़ा बताएंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ का वड़ा पाव? थैंक यू सो मच। फाइनली मुंबई में वड़ा पाव खाने का टाइम आ गया। ये देख सकते हैं मिट्टी भाई कॉलेज का आनंद स्टॉल का वड़ा पाव। इस पाव पे इन्होंने अमूल बटर लगाया है, ग्रीन चटनी लगाई है और इसमें अपना मसाला डाला है, और इसके अंदर गर्मा गर्म आलू की भुजिया का पकोड़ा रखा हुआ है जिसे यहाँ पे वड़ा बोलते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। वाह जी वाह, अमेजिंग, सिंपल सिटी, थोड़ा मसाला चटनी बटर बन और तैयार हो गया वड़ा पाव। यार ये जो टेस्ट है ना ये मुंबई में ही मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं ना मुंबई का वड़ा पाव, ये वो वड़ा पाव है। बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल, अंदर गर्मा गर्म आलू की भुजिया सब्जी कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, और देखिए बाइट लेने के बाद एक कितना बढ़िया लग रहा है अंदर से, बहुत शानदार टेस्ट है। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस जगह का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है भैया आपका? मैडम शिवा है। हाँ शिवा, शिवा शिवा जी, आपका कौन से ज़्यादा चलता है डोसा? अपना गिनी चलता है। गिनी चलता है, और इसके बाद कौन सा चलता है? यही पनीर चिली पास्ता। पनीर चिली पास्ता,
तो कितने टाइप के मसाले डोसे डोसा है आपके पास? 65 टाइप का है। 65 टाइप का। और कितने बजे खोलते हो आप अपना? सुबह 9 बजे। और रात में? रात में 12 बजे तक चलता है। इसका लैंडमार्क यही है, मिठी भाई कॉलेज। ये मैंने यहाँ से लिया है एक गिनी मसाला डोसा, एक सैंडविच ग्रिल चीज़ सैंडविच और एक बड़ा पाव। तीनों का बिल बना है 365।